गाइज वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं मुमताज आलम, आज क्लास नाइन्थ का एक पोएम के बारे में डिस्कस करूँगा। पोएम का नाम है विंड, जिसके राइटर हैं, जिसके पोएट हैं सुब्रमण्य भारती। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं, ये हैं सुब्रमण्य भारती। तो सुब्रमण्य भारती वाज अ तमिल राइटर। सुब्रमण्य भारती जो थे वो एक तमिल राइटर थे, एक पोएट भी थे, जर्नलिस्ट थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक भी थे। वो जो है 11 दिसंबर 1882 यानी 1882 में पैदा हुए थे और 12 सितंबर 1921 यानी 38 साल के एज में उनकी डेथ हो गई थी मद्रास में। और उनका जो ऑक्यूपेशन था वो जर्नलिस्ट थे, पोएट थे, राइटर थे, टीचर थे। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये पोएट के बारे हम लोग शॉर्ट में समझ गए। इसके बाद एक ही स्टंजा के एक ही लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। तो फर्स्ट स्टंजा है कि विंड कम सॉफ्टली। विंड जो है पोएट विंड को बोलता है कि कम सॉफ्टली, विंड धीरे धीरे आओ, हवा धीरे धीरे आओ। क्यों ऐसा बोलता है? इसलिए कि हवा अगर स्पीड में चले तो हम लोग उसको विंड नहीं बोलते हैं बल्कि तूफान बोलते हैं। तो देखिए आप, जब तूफान आता है तो कितना नुकसान होता है। आपके घर गिर जाते हैं, आपके खिड़की के दरवाजे टूट जाते हैं, किसी किसी का छत कूड़ा कर ले जाती है, पेपर के पन्ने को फाड़ देता है, बुक के पन्ने को फाड़ देता है। तो जब ये सब नुकसान को देखते हैं सुब्रमण्य भारती, तब जो है विंड से बोलते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे आओ। अगर धीरे धीरे हवा चलती है तो काफ़ी आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। और हवा के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर ऑक्सीजन ना मिले इंसान को तो इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन इतना भी ना मिले हवा कि इंसान को उड़ा कर ले जाए। तो देखिए आप, पोएट जो है से विंड को बोलता है कि विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे आओ। क्या रीज़न है कि धीरे धीरे बोलता है? इसलिए कि जब तेज चलती है तो काफ़ी नुकसान होता है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी खिड़की के जो दरवाजे हैं उसको मत तोड़ो। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर तूफान आएगा तो खिड़की दरवाजे को तोड़ देगा। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जैसे कि पेपर अगर आप टेबल पर रखे हुए हैं, अगर हवा नहीं चल रही है तो पेपर तो रहेगा टेबल पे, लेकिन जैसे ही अगर तेज हवा चलेगी तो पेपर जो है से टेबल के नीचे गिर जाएगा या एक रूम से दूसरे रूम में चला जाएगा उड़कर। तो बोलता है पोएट कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और अलमारी पे जो बुक रखा हुआ है उसको नीचे मत गिराओ, उसको फेंको मत। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि देखो तुमने क्या कर दिया, यानी डिस्ट्रक्शन ला दिया है। विंड जो है वो तबाही मचा दिया है। तबाही क्या मचाया? फर्स्ट में एक मचाया तबाही कि जितने भी दरवाजे थे, डोर्स थे, खिड़की थे, उसको उड़ा कर ले गया, तोड़ दिया, पेपर के पन्ने को बिखेर दिया, और जो बुक अलमारी पे रखा हुआ था उसको नीचे गिरा दिया। दिया है डिस्ट्रक्शन। तो ये डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद पोएट इन सब चीज़ों से मना करता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप लास्ट में बोलता है कि देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको नीचे गिरा दिया, सबको बर्बाद कर दिया, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के पन्ने को भी फाड़ दिया। सोचिए, अगर किताब के पन्ने को फाड़ रहा है, खिड़की दरवाजे को तोड़ दे रहा है, पेपर को बिखेर दे रहा है, बुक को अलमारी से नीचे गिरा दे रहा है, तो क्या ये तबाही नहीं है?
इन तबाहियों को देखने के बाद पोएट इन सब चीज़ों से विंड को मना करता है, यू ब्राउ ट्रेन अगेन। और इसके बाद अक्सर ऐसा होता है जब तूफान आती है तो साथ में बारिश भी लेकर आती है। तो ये स्टंजा वन यानी पहला स्टंजा है, इसमें कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिसको समझना भी ज़रूरी है ताकि दोबारा आप इस पोएम के एक एक लाइन को जब पढ़ेंगे तो खुद से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो इसके बाद हम लोग इसी स्टंजा का यानी स्टंजा वन का जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसको देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लेंगे कि इस स्टंजा से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो वर्ड मीनिंग देखें आप, फर्स्ट वर्ड है सॉफ्टली। सॉफ्टली का मीनिंग होता है स्लोली यानी धीरे धीरे। नेक्स्ट है शटर्स, शटर मीन्स डोर यानी दरवाजे। स्कैटर मीन्स होता है स्प्रेड फैला देना बिखेर देना, और सेल्फ मीनिंग होता है कपबोर्ड यूज फॉर पुटिंग थिंग्स यानी कपबोर्ड का मीनिंग होता है अलमीरा या हम देहाती भाषा में बोलें तो दीर्घायु बोल सकते हैं, या दीवार में दीवार से बनाया जाता है। तो अगर आप इस मीनिंग को याद कर लेंगे तो शायद स्टंजा वन जो था उसको दोबारा पढ़ने के बाद एक एक लाइन को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं इसी स्टंजा का क्वेश्चन पे कि क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट यानी पोएम का नाम और पोएट का नाम बताइए। तो जैसा कि आपको बताया गया यह हर एक पेज में फर्स्ट में हेडिंग में ही विंड लिखा हुआ है, तो विंड जो है यह है नेम ऑफ द पोएम। और पोएट के बारे में जैसा कि फर्स्ट में मेंशन किया गया है सुब्रमण्य भारती के बारे में, तो यह जो है से इस पोएम के पोएट हैं। इसका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम इज विंड एंड द पोएट इज सुब्रमण्य भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट वांट विंड टू कम स्लोली। पोएट क्यों चाहता है कि हवा धीरे धीरे चले। तो जैसा कि स्टंजा में आपको एक्सप्लेन किया गया है स्टंजा वन में कि विंड कम स्लोली डोंट स्कैटर द डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज डोंट स्कैटर द पेपर्स डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। ये सब जो है वो तबाही है, डिस्ट्रक्शन है। इसी तबाही को देखने के बाद पोएट चाहता है कि विंड जो है वो स्लोली आए और कोई परेशानी ना हो। तो द विंड द पोएट वांट्स द विंड टू कम स्लोली सो एज नॉट टू डिस्टर्ब लाइफ एंड कॉज ट्रूबल टू द वीक। अब यहाँ पे वीक वर्ड आया है, उसका मीनिंग यह है कमज़ोर। तो विंड जो है कमज़ोर को ही मजाक बनाता है, अब स्ट्रॉन्ग के साथ फ्रेंडशिप करता है, ये इसकी आदत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द विंड डू टू बुक्स। विंड जो है बुक्स के साथ क्या करता है, क्या करती है बुक्स के साथ, उसके पेज को फाड़ देती है यानी द विंड थ्रोज द बुक्स डाउन द सेल्फ इट टियर्स देयर पेज ऑल्सो यानी बुक्स को सेल्फ से नीचे गिरा देती है और उसके पन्ने को फाड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ब्रिंग्स द रेन, क्या है जो बारिश ले आता है। तो विंड है यानी तूफान के बाद अक्सर बारिश होती है, तो विंड जो है साथ में बारिश भी लेकर आती है। तो ये स्टंजा वन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्टंजा सेकंड। सेकंड स्टंजा है यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। ये विंड के बारे में ये बताया गया है, पोएट बोलता है विंड को कि तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत चलाक हो, और चलाकी कहाँ पर दिखाता है, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स यानी जितने भी कमजोर चीज है उसका मजाक उड़ाने में बहुत चतुर है, बहुत चलाक है, बहुत क्लेवर है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, अगर आपके हाउस
आपके घर कमजोर हैं, टूट रहे हैं, तो विंड जो है उसको और तोड़ देता है और उसके साथ मजाक बनाता है। क्रम्बलिंग डोर्स, अगर आपके दरवाजे कमजोर हैं तो उसको भी वो तोड़ देता है। और क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, अगर आपके रैफ्टर्स आपके कड़ी अगर कमजोर हैं तो उसको भी विंड जो है से गिरा देगा, तोड़ देगा। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे पोएट जो है से हर एक चीज़ के बारे में मेंशन किया है, जितना भी कमजोर चीज़ है, चाहे विंड हो, बॉडीज हो, लाइव्स हो, हार्ट्स हो, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आपको और कमजोर कर देगा। अगर आपके वुड्स गिर रहे हैं उसको और गिरा देगा। अगर आपके बॉडी कमजोर हैं तो और जो है से उसका मजाक बनाएगा। और आपकी ज़िंदगी अगर कमजोर होती जा रही है तो उसको भी और कमजोर कर देगा। तो बोलता है पोएट कि यू आर वेरी क्लेवर एट टॉकिंग फैनेटिक लिंक्स, कि तुम जो है से कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत आगे हो, तुमको बहुत मजा आता है कमजोरों का मजाक करने में। द विंड गॉड विंडोज एंड क्रश द माउल। अब देखिए पोएट जो है से विंड को गॉड बोला है, यानी विंड को क्या बोला है, गॉड बोला है। बोलता है कि विंड गॉड विंडोज एंड क्रश द माउल, यानी जितने भी कमजोर चीज हैं, चाहे डोर्स हो, रैफ्टर्स हो, हाउस हो, वुड हो, बॉडीज है, लैब्स है, हार्ट्स है, जितना भी कमजोर चीज है वह सब को क्या करता है, क्रश कर देता है, यानी कुचल देता है और उसका मजाक उड़ाता है। यह है स्टेंजा सेकंड। हम लोग इस स्टेंजा में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आए हैं उसको भी देख लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो पोकिंग फन में होता है मेकिंग फन, मजाक उड़ाना। वीक किलिंग में होता है वीक कमजोर, और फेल का मीनिंग होता है वीक कमजोर। अब क्रमिंग होता है क्रशिंग, अभिनव होता है थ्रोइ, यानी कुचलते हुए या बिखेरते हुए। इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टेंजा का क्वेश्चन आंसर पर और देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन अराइज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द विंड डू टू द वीक। विंड जो है वीक के साथ, कमजोरों के साथ क्या करता है। तो जैसा कि आपको बताया गया स्टेंजा सेकंड में एक्सप्लेन किया गया कि विंड जो है वह कमजोरों के साथ मजाक उड़ाता है, यानी इट मेक्स फन ऑफ द वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द हाउस डोर्स एक्सेट्रा, यानी जो आपके हाउस हैं, डोर्स हैं, रैफ्टर्स हैं, बॉडीज हैं, हार्ट्स हैं, लेफ्ट्स हैं, उसके साथ क्या होता है। तो अगर कमजोर है, वीक है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस है, फ्रेल क्रम्बलिंग डोर्स हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग रैफ्टर्स हैं, तो विंड जो है इसको क्रश कर देगा, कुचल देगा और मजाक उड़ाएगा। यानी द हाउसेस डोर्स एंड अदर वीक थिंग्स आर क्रश्ड बाई द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द विंड लुक्ड एट, विंड जो है से कैसा दिखता है, कैसा लगता है। जैसा कि पोएट बताया है कि विंड जो है गॉड, यानी विंड जो है ऐसा कैसा लगता है, गॉड की तरह, यानी इट इज लुक्ड एट एज अ गॉड। ये था स्टेंजा सेकंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेंजा थर्ड। स्टेंजा थर्ड है कि ही ऑन डू व्हाट यू टेल हिम। जैसा कि फर्स्ट में बताया गया कि पोएट मना करता है कि तुम ऐसा मत करो, अगर करना है, अगर तुमको आना भी है तो स्लोली धीरे धीरे आओ। सेकेंड में बताया गया कि वो बहुत क्लेवर है, कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत आगे है। लेकिन थर्ड में क्या है कि ऑन डू व्हाट यू टेल हिम, वह ऐसा नहीं करेगा जैसा आप उसको करने के लिए कहेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होप्स। अगर आपकी मर्जी से हवा नहीं चलती है कि आप बोल देंगे कि मत आओ तो नहीं आएगी,
आप बोलेंगे कि आ जाओ तो आ जाएगी। तो पोइट बोलता है कि तुम्हारी बात नहीं मानेगा वो, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आओ और अपने घर को मजबूत बनाओ। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, जो दरवाजे गिर रहे हैं उसको मजबूती के साथ ज्वाइंट करो। आप प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अगर आपकी बॉडी कमजोर है तो प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ। जब आपका बॉडी मजबूत हो जाएगा, आपका घर स्ट्रांग हो जाएगा, आपके डोर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, तो मेक द हार्ट स्टेट फर्स्ट। अगर आपका दिल कमजोर है तो उसको भी पत्थर की तरह दिल बना लो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर ऐसा करेंगे आप तो विंड जो है मजाक उड़ा रही थी तो ऐसा नहीं करेगा। फिर जैसे ही आप स्ट्रांग हो जाएंगे, अपने आप को, अपने होम को स्ट्रांग करेंगे, अपने डोर्स को स्ट्रांग करेंगे, अपने बॉडी को स्ट्रांग करेंगे, तो यह क्या करेगा, विंड जो है आपके साथ दोस्ती कर लेगा। देखिए इसका दोस्ती कितना अच्छा है। इससे इंसान को सबक सीखना चाहिए कि कभी भी अपने आप को कमजोर मत होने दो। अगर कमजोर हो जाओगे तो हर एक लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। इसी वजह से आपको पॉइंट बोलता है कि स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, अपने घर को मजबूती से बनाओ, अपने डोर्स को मजबूती से ज्वाइंट करो, अपने बॉडी को प्रैक्टिस करके स्ट्रांग हो जाओ। जैसे ऐसा हो जाएगा तो विंड जो है आपके साथ दोस्ती कर लेगा। तो ये था स्टंजा थर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्टंजा 1, 2 और 3 तीनों स्टंजा को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें कुछ स्ट्रांग वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जिसके मीनिंग को भी देख लेंगे। आप नोट्स भी चाहें तो कर सकते हैं। तो वर्ड है फार्मली, फार्मली का मीनिंग होता है स्ट्रांगली, यानी मजबूती के साथ। स्टीड फास्ट का मीनिंग होता है कि फार्मली फिक्स्ड इन प्लेस, यानी अपने आप को स्ट्रांग करो, फिक्स कर लो। अब इसमें क्वेश्चन है कि वाई शुड वी मेक आवर होम्स स्ट्रांग, क्यों हम लोगों को अपना घर स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो क्यों बनाना चाहिए, आपको तो आंसर पता होगा। यानी वी शुड मेक आवर होम्स स्ट्रांग सो डैट दे मे नॉट फॉल डाउन व्हेन द विंड ब्लोस। इसलिए अपने होम्स को, डोर्स को, राफ्टर्स को, बॉडीज को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि वो गिर ना सके और हवा में उड़ ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड वी डू टू द डोर्स, हम लोगों को डोर्स के साथ क्या करना चाहिए। तो वी शुड ज्वाइंट द डोर्स स्ट्रांगली, यानी हम लोगों को डोर्स को मजबूती के साथ बनाना चाहिए, ज्वाइंट करना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ मिस्टेक है, फ्रेंड्स में FRIENDS छूट गया है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे कि व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड्स, यानी कब जो है से विंड हमारा फ्रेंड बन जाएगा, कब बनेगा। द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रांग, जब हम लोग स्ट्रांग रहेंगे तो विंड हमारा फ्रेंड बन जाएगा। ये था स्टंजा थर्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट स्टंजा 4। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर ऐसा करेगा, अपने आप को स्ट्रांग करेगा, होम्स को स्ट्रांग करेगा, डोर्स को फॉर्मली ज्वाइंट करेगा, तो क्या होगा कि हमारे विंड जो है वो हमसे दोस्ती कर लेगा, हमसे फ्रेंडशिप बना लेगा। द विंड ब्लोज आउट विथ फायर्स। आप जैसा कि देखे होंगे, अगर फायर का मीनिंग होता है आग, आग के बारे में सबको पता है, विंड के बारे में सबको पता है, तो अगर फायर जो है आग कमजोर है, थोड़ा सा है, तो हवा आती है और उसको बुझा देती है। He makes strong fires roar and flourish। लेकिन अगर हवा
अगर फायर स्ट्रांग है तो हवा जब आती है तो उसको बुझाते नहीं है, बल्कि उसके साथ फ्रेंडशिप करने के बाद उसको और जो है फ्लोरिश करती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। अब देखिए उसका फ्रेंडशिप कितना अच्छा है। अगर कमज़ोर हैं तो आपको कुचल देगा, आपका मजाक उड़ाएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि आपके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा। यानी उसकी जो फ्रेंडशिप है, उसकी दोस्ती है, वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। ये रीज़न है कि हम लोग पर डे सुबह शाम उसकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। अगर हवा नहीं चल रही है फिर भी याद करते हैं, कर बहुत गर्मी लग रही है, हवा नहीं चल रही है। अगर ज़्यादा हवा चलती है फिर भी बोलते हैं कर तूफान है आज। तो ये था आपका स्टेंजा 4, शायद आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सर देखेंगे और ये स्टेंजा कम्प्लीट हो जाएगा, ये पोएम कम्प्लीट हो जाएगा। तो वर्ड है ब्लोज आउट, इसका मीनिंग होता है बुझा देना, इन रिलीज ऑफ एयर। रॉयल एंड फ्लोरिस का मीनिंग होता है बिकम स्ट्रॉन्ग, और मजबूत बनाना, और जो है से स्ट्रॉन्ग करना। अब प्रेज का मीनिंग होता है एडमायर, तारीफ करना, प्रशंसा करना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डज द विंड डू टू द स्ट्रॉन्ग फायर्स। विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फायर्स के साथ क्या करती है, तो क्या करती है, द विंड मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स मोर स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग फायर है तो उसको विंड जो है और स्ट्रॉन्ग कर देती है, इसलिए कि वो स्ट्रॉन्ग के साथ फ्रेंडशिप बनाती है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन इन सेइंग दैट द विंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर। पोएट वास्तव में क्या कहना चाहता है कि विंड जो है स्ट्रॉन्ग फायर को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। द पोएट एक्चुअली मीन्स दैट द विंड इज अ फ्रेंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड एनिमी ऑफ द वीक, सो वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो पोएट बताना चाह रहा है, कहना चाहता है कि विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग के साथ दोस्ती करता है और कमजोरों के साथ दुश्मनी, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सो वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वाई फ्रेंडशिप ऑफ द विंड गुड, विंड का फ्रेंडशिप गुड क्यों है, इट इज गुड बिकॉज इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग टू फेस द ट्रूबल ऑफ लाइफ। इसलिए गुड है कि हमें कमजोरों के साथ लड़ने के लिए सिखाता है और अपने आप को मजबूत बनाने का सबक सिखाता है। ये था स्टेंजा 4 और विंड।